चिकन बनाते हैं। तो चिकन कैसे के जी? चिकन कैसे के जी? चिकन है 120, 220, 220 हाफ के जी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी उठा 10 मिनट पहले, तो चाय बना ली अपनी, चाय पियेंगे। उसके बाद चार्जिंग लगाया पावर बैंक वहाँ पे ढाबे में, वो लेंगे, पैकिंग करेंगे, निकलेंगे। यार कितना मेस पड़ा हुआ, देखो सारा भी संभालेंगे इसको, फिर निकलेंगे। तो जी दो नंबर होके आ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं। ये है पेट्रोल पंप जो कल रुकने नहीं दिया मुझे रात को। ये है हाईवे, साथ बच चुके हैं, ब्रश ब्रश करें। नहाया है ना तो नहीं है, वही नहाता शाम को ही हूँ, हाथ मुँह धोए चलें फिर जी। पैकिंग हो चले जी, पैकिंग हो गई है, निकल रहे हैं। ये सामने रोड क्रॉसिंग है, तो क्रॉस करके अपने जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं इसके सामने से सीधा गुजरना है नीचे की तरफ बेंगलोर, और ब्रेकफास्ट आगे जाके करते हैं जहाँ भी कई दुकान मिलती है, भूख लग रही है। वैसे 15 किलोमीटर आगे टाउन है, देखते वो तो काफ़ी दूर हो जाएगा, उससे पहले ही कहीं पे भी मिलेगा कुछ खा लेंगे। यार खाना क्या, वो इडली विडली मिलती है यहाँ पर, और तो क्या खाना। तो जी आ गया हूँ यहाँ दुकान में खाना वाना खाने के लिए, तो देखते हैं क्या मिल रहा है खाने में। यहाँ तो फिलहाल पुलाव राइस वगैरह ही मिल रहा है। ये लेमन राइस है। क्या क्या खाने में? खाने में गरम गरम वेजिटेबल राइस है। ओके, वेजिटेबल, ये वेजिटेबल इडली, वेजिटेबल इडली है। कैसे प्लेट इडली? इडली पैंट, इडली दो इडली, एक चार इडली का 45 रुपये। इसका 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 50। इसका सेम हाफ मिलता है ना। मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया है फिलहाल दो इडली और एक ये पकोड़े, फिर राइस खाऊंगा मैं। तो ये ऐसे दिया जाता है, अपना वाला ये है। तो ये जी पहले ये खाएं, फिर बाद में खाएंगे राइस। करें जी शुरू अपना इडली ब्रेकफास्ट। यहाँ का थोड़ा अलग है, यहाँ कल खाया था थोड़ा अलग। ये है सामने शायद, तो जी काफ़ी दूर आ चुका हूँ, 10-12 किलोमीटर शायद 15 किलोमीटर खाना खाने के बाद। तो टाइम हो गया 11:30, पैसेंजर शर्ट था। यहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं, और दुकान है यहाँ पर, तो ये दुकान में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। आप बाथरूम गए? तो ये है दुकान में, देखते हैं क्या लेते हैं। ये एक खट्टा मीठा ले लिया, एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, रेट 10 रुपये लिखा है, लेते 15 रुपये, पता नहीं क्यों। वाह मजे हैं। वहाँ से काफ़ी आगे आ गया हूँ, टाइम हो गया है
एक सवा एक, तो खाना वाना खाए तो वही राइस बनवाया है, एग राइस यहाँ पे वही फेमस है। तो ये दुकान है तो बनाते वहाँ पर है। कितने का बनता है? 60 रुपये का। 40-50 का हर जगह मिलता है यार। तो 60 रुपये बोल रहे हैं, चल कोई बात नहीं, पेट भर जाएगा, ज़्यादा खर्चा ऐसे भी है नहीं, यहाँ पे चीप ही है, तो बनता है फिर खाते हैं। तो जी ये आ गया अपना एग राइस, कहीं पे 50, कहीं पे 60, कहीं पे 40, ये थोड़ा बड़ा प्लेट है इसलिए 60 रुपये ठीक है, और थम्स अप। तो करें जी शुरू एग राइस। नींबू आ रहा है, नींबू निचोड़ के बड़ा मज़ा आता है खाने में। वाह, कोल्ड ड्रिंक इतनी ठंडी नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये आ गया नींबू। मजा आ गया, अच्छा प्याज है। अल्टीमेट नज़ारा भाई, पेड़ की छाया है, देखो धूप लगी है, साइकिल साइड में खड़ी है, ये तो जी निकल गया हूँ खाना खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के। अब एक अलग साइड रोड में से निकला हूँ, बाकी गाड़ी वहाँ से चल रही है, तो छपरी लोग है पीछे, बस यहाँ पे खेती है भाई, सीधा सामने हाईवे, मैं तो एकदम साइड में से चल रहा हूँ। चलो अब कंटिन्यू चलाऊँगा 1.5 घंटा, फिर जाके करूँगा रेस्ट। चुका हूँ काफ़ी आगे, तो यहाँ पे दुकान है चिकन का, आज काफ़ी दिन हो गया सो चिकन बनाते हैं। तो चिकन कैसे केजी, चिकन कैसे केजी? चिकन है 120 हाफ के जी। ये दुकान है चिकन की भाई, आधा के जी दे दो। तो जी ये अपना चिकन हो रहा है कट, ಇಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು, ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾಗ 3 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದವೆ, 3 ಹೋಯ್ತಾಲೆ। टमाटर खत्म हो गया, वो ले लेते हैं। प्याज कैसे? 70 रुपये के जी। टमाटर 30 रुपये। एक पाव दे दो प्याज, एक पाव प्याज ले लेते हैं और एक पाव टमाटर ले लेते हैं। चिकन वगैरह लेके, प्याज व्याज लेके, और अभी टाइम हो रहे 4:30, और डिस्टेंस है आज 145 किलोमीटर बेंगलोर यहाँ से, तो कोशिश करूँगा 7 बजे तक चलाऊँगा साइकिल आज, कि कल के लिए कम से कम डिस्टेंस रहे, और कल चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे बेंगलोर पहुँचने की कोशिश करूँगा 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलाने की। अब देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि 80-90 तो मैं आराम से चलाता हूँ 6 बजे तक, 6-7 बजे तक, और 120 रहेगा तो 7-8 बज जाएंगे कोई बात नहीं, 8-9 भी बज जाएंगे कोई बात नहीं। तो जी आज भी 6:15 हो गए हैं, अंधेरा हो गया, तो पेट्रोल पंप अभी तक मिला नहीं है, रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली है, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप है शायद 2-3 किलोमीटर में, तो फिर रुकते हैं, चिकन विकन बनाते हैं, ऐसा ही सफ़र है, रह गया 125 किलोमीटर बेंगलोर, और साइकिल का एक प्रॉब्लम हो गया, डिस्क ब्रेक है जो मेरी, उसका सॉकेट का नट निकल गया है, जिसके वजह से डिस्क ब्रेक प्रॉब्लम कर रही है चलने में, तो वो थोड़ा बहुत चल रहा है साइकिल, तो कल ठीक करवाऊंगा सवेरे, यहाँ मार्केट है कोई 5-7 किलोमीटर दूर पे, सिरा करके मार्केट है, तो वहाँ पे ठीक करवाऊंगा साइकिल। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है डिस्क ब्रेक। तो यार 6:30 हो गया, पेट्रोल पंप भी मिल गया, अब यार ये बोल रहा है कि रुकना है तो तुमको 10 बजे के बाद टेंट लगाओ, अब 10 बजे तक यहाँ बैठ के क्या करूँगा मैं, पीछे मेरे एक कैफ़े है, इन लोगों का रास्ता आता जाता है, अब बैठूँगा कहाँ, टेंट लगा के रेस्ट करूँगा, खाना वाना बनाना था,
अब यार देखता हूँ आगे निकलता हूँ, आगे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। देखता हूँ ये थोड़ा पीछे एक किलोमीटर एक जो मज़दूर लोग होते हैं काम करते हैं रोड में, वो लोग टेंट लगा के रुके हुए हैं, उनसे जाके मांगता हूँ स्टे यार, बोलता हूँ मुझे रुकने के दो। यही है लाइफ भैया। तो जी चलो शुक्र है रुकने का हो गया। तो अब टेंट मैंने कैंपिंग कर ली है, साइकिल यहाँ पड़ा हुआ है और ये पीछे बनी हुई है झुकी जैसे बनाया हुआ है टेंट लगा के, एक ही लड़का रह रहा है बेचारा, वो बिहार का अपना, तो उसको मैंने पूछा रुकने के लिए, बोलता है भैया रुक जाओ कोई बात नहीं। तो पानी वानी मैं पेट्रोल पंप से भर लिया था, तो बस आराम से दो बोतल भरी हुई है मैंने, तो जिसमें मेरा खाना चावल भी बन जाएगा चिकन भी बन जाएगा। तो क्या भूभू कर रहा है, बस खाना वाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। ये देखो अपनी कैंपिंग सेट पहुँच चुका है। तो जी अपने राइस बन गए हैं, प्याज भून रहा हूँ, जैसे ये भूनता रहा चिकन पड़ा, चिकन डालेंगे। तो जी सूखे पीस निकाल लिए, पानी डाल दिया बॉईल होने के लिए, खाए जी चिकन, राड लगी हुई, वाह थोड़ा नमक तेज हो गया, वो मैंने पानी डाल दिया बराबर हो जाएगा। मजा आ गया भाई, वाह जी अपना चिकन हो गया रेडी, राइस ये बचे सुबह के लिए और ये बचा सुबह के लिए, खाएं जी और बताएं आपको कैसा है, गरम काफी है वैसे तो। वाह नमक अभी भी थोड़ा तेज हो गया, जिससे पानी पीऊंगा ज्यादा, और पानी यहाँ पे है नहीं, तकरीबन आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा साइकिल लेके पानी लाने के लिए, क्योंकि ये पास में जो है ये भाई तो दे नहीं रहा पानी। वाह नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी आज का सफ़र ऐसे ही था, कल शाम को या परसों सुबह मैं पहुंच जाऊंगा बेंगलोर, फिर दिखाएंगे कुछ अच्छा चीज़।